आप हो कहाँ से, मैं अपने जी बारे में बता दीजिए। मैं बट्टू कलां जिला फतेहाबाद हरियाणा का हूँ जी, ठीक है और जी, यहाँ बट्टू कलां का मिठमी रोड पे मेरी ढाणी है। अगर कोई भाई आके सेटअप देखना चाहे तो देख भी सकता है, जिसमें मैं वीडियो में अपना नंबर भी बता देता हूँ, कोई मेरे से बात करना चाहे। जी 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 93-155-077-77 ये मेरा थैंक यू, नंबर है जी। बहुत बहुत मेहरबानी। मतलब आपका जो लोड था, जितना आपने एक्सेप्ट जी किया था चलने के लिए, क्या उतना लोड चला या उससे ज़्यादा चला, वो भी बता हाँ जी दीजिए। बिल्कुल बढ़िया, मेरा जितना ये लोड था सारा दोनों गाड़ियों का, ये जी लोड जी बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, मैं इससे पूरा संतुष्ट हूँ, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है जी, ठीक है, बढ़िया, थैंक मैंने यू। सोचा वैसा ये सिस्टम है। ठीक है जी, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी आप। तो दोस्तों अभी कस्टमर ने वहाँ पे लगा हुआ एक छोटा सा गीजर, मैं दिखा देता हूँ आपको जूम करके। उन्होंने वो गीजर ऑन करा, देखिए ये वाला एक छोटा गीजर लगा हुआ है, तो इन्होंने ये गीजर ऑन किया है। ऑन करने के बाद अगर मैं एम्पियर की बात करूँ तो देख सकते हैं एसी एम्पियर 18.57 चले गए हैं, ठीक है। और अगर मैं डीसी की बात करूँ तो डीसी एम्पियर 12-13 एम्पियर के करीब चल रहा है, और एसी एम्पियर दोस्तों 18 एम्पियर चल रहे हैं इस पैनल के ऊपर। 8 ये पैनल और 8 ये पैनल हमने यूज किया यहाँ से, ठीक है। तो देख लो दोस्तों, आपके सामने लोड है टोटल वो गीजर चलने के बावजूद। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ दोबारा से, एक बार जूम दिखा देता हूँ, मैं दोबारा से जूम कर देता हूँ, ठीक है, जूम और हुक करके आता हूँ फोकस में। ये देख लीजिए, ये लगा हुआ गीजर आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला गीजर यहाँ पे मेरी उंगली है, ये गीजर इन्होंने अब ऑन किया है। ये दिखने में छोटा गीजर है, बट इन्होंने जो है रोड जो है इसके अंदर 3000 वाट की रोड डली हुई है। तो देख लीजिए, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं 19 एम्पीयर का लोड जो है यहाँ पे चल रहा है, 19 एम्पीयर का लोड चल रहा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो, स्वागत आप सभी का हमारे एसके इलेक्ट्रिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देखेंगे, ये पीछे जो है हमारे स्टैंड के ऊपर पैनल लगे हुए हैं, और ये जो पैनल है यहाँ पे, मैं बैक कैमरा दिखा देता हूँ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे क्योंकि कई दोस्तों को हमारी वीडियो बोरिंग लगती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे ये पैनल लगे हुए हैं यहाँ पे, ये आपके जो हैं 8 पैनल हैं और ये 9 पैनल हैं, और यहाँ के ओनर ये हैं, उनका लड़का है ओनर का। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने सेटअप लगाया है विदाउट बैटरी, 8 किलोवाट का इन्वर्टर हमने सेटअप पूरा कर दिया है। धूप है तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार कस्टमर को जो है चला के चेक करवा दें। और ये देखिए, ये इनका मतलब ढाणी लगा लीजिए या घर लगा लीजिए, ये इस प्रकार का है। इन्होंने पूरा घर का लोड चलाना था, तो एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये भी सेटअप होना बाकी, हम पहले वीडियो बना लेते हैं ताकि धूप ना चली जाए और कस्टमर को हमें लोड चेक करवाना। तो ये टोटल 8 प्लेटें हैं और ये वाली 9 प्लेटें, इनमें से 8 प्लेटें ये यूज की हैं हमने और 8 प्लेटें ये यूज की हैं। 8-8 की 2 सीरीज बना के, ये 2 8 और ये यहाँ से 8, उनको पैरलर कर दिया है। उनको पैरलर करने के लिए हमने इस चेंज ओवर का उपयोग किया है, और ये हमारा एमसीबी बॉक्स है, ये इन्वर्टर है। आपको अभी मैं लोड दिखा देता हूँ, तो लगभग जो है 12-12.5 एम्पीयर लोड चल रहा है इनका, पूरा पूरी ढाणी का लोड है ये दोस्तों। और इनके मैं घर के अप्लायंस भी चेक कराऊंगा, आपको डीसी लोड दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, 7.5 एम्पीयर के करीब जो है इसका डीसी लोड चल रहा है, ये एमपीपीटी टेक्नोलॉजी है, 7.5 एम्पीयर का, 7.5 एम्पीयर का डीसी लोड चल रहा है। और एसी अगर लोड की बात करूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ, एसी लोड जो है इसका आप देखेंगे तो 12-12.5 के करीब जा रहा है, मतलब रेशियो अप डाउन हो रहा है। तो चलिए चलते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं इनके घर का सेटअप। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम कैलाश है जी। अच्छा, कैलाश जो है, जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने हमारे से इन्वर्टर ऑर्डर किया था, तो ये आज पूरे घर के अंदर हमें चेक करवाएंगे कि इन्होंने क्या क्या चीज़ चला रखी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, एक इनकी मोटर चल रही है पानी वाली यहीं पे, ये एक जेट पंप है, ठीक है। तो ये जेट पंप है, एक इसकी ये 1 HP का है या कितना है शायद नहीं पता। चलो, इसका जो मैंने चेक किया था दोस्तों, तो इसका जरक लोड जो है 7 एम्पीयर का था, जरक लोड 7 एम्पीयर का था, और चलने के बाद 4 एम्पीयर रनिंग में ले रहा था, ठीक है। तो चलिए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं। आइए, तो चलिए हम एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कितने फैन चल रहे हैं, टोटल लोड क्या चल रहे हैं क्या नहीं, आपको पूरा इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आप ये इन्वर्टर लगवाना चाहते हैं तो ये इन्वर्टर लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये फैन ऑन है, ये लाइट्स ऑन है, ठीक है। आगे चलते हैं हम और आपको लोड चेक करवाते हैं। अगर आपको ये इन्वर्टर लगवाना है तो आप हरियाणा करनाल से ये हमारे से परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। हाँ जी, ये डबल बैटरी वाला एक इन्वर्टर है, ठीक है। ये फैन चल रहे हैं या फराटा, और छत वाला फैन चल रहा है, ठीक है। साथ में जो ये इनका इन्वर्टर लगा हुआ है डबल बैटरी का, ये भी चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए, चार्जिंग ऑन, ठीक है। और ये यहाँ से इन्होंने सारा चार्जिंग का सेटअप दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आपको मैं बाकी का और लोड चेक करवा देता हूँ, ठीक है दोस्तों।
हम अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये काफी पुराना फ्रिज है, नॉर्मल वाला आपने देखा होगा, सादे कमरा शर्मा देखिए, वीडियो कौन, काफी 8-10 साल पुराना फ्रिज है, तो ये भी चल रहा है, कूल हो रहा है, ठीक है, लाइट बंद है, कूल हो इसकी रहा है। लाइट खराब है वैसे, मतलब ओके है, यहाँ से देखेंगे स्विच ऑन है, ठीक है। तो चलिए बाकी और भी आपको दिखा देते हैं क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ की लाइटें ऑन कर दी है और वो एग्जॉस्ट ऑन है, ठीक है। बाकी का जो लोड है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको फुल जानकारी हो। ये देखिए यहाँ की फैन चालू है, लाइटें चालू हैं सारी की सारी, और एलईडी वगैरह इन्होंने ऑन कर दिए। काफी भाइयों को डाउट होता है कि क्या सर इसमें हमारी एलईडी चलेगी नहीं चलेगी, फैन चलेगा नहीं चलेगा, कैसा होगा, वो आज आपको सारा क्लियर करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एलईडी ऑन है, ऑन हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम आगे का लोड देख लेते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने कूलर रखे हुए थे, इन्होंने बाहर निकाल के इनको चला दिए, थोड़ा आगे होना, हवा लगेगी तो पता चल जाएगा कूलर का। तो ये देखिए कूलर ऑन है, ये फैन जो इनके पुराने मॉडल का है ऐसे ठक 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 ये चलता है। चलिए और आपको लोड चेक करा देते हैं, मतलब इनके जो दो घर हैं दोनों घरों का लोड मैं आपको चेक कराऊंगा। ये फैन देखिए ये चल रहा है और यहाँ की लाइट भी ऑन है, ठीक है। इनके टोटल जो पैनल लगे हुए थे दोस्तों 540 वाट का पैनल है एक इनका, और 16 पैनल इनके हमने यूज किए हैं 8-8 की सीरीज बना के, ठीक है। रही बात ये इनकी वॉशिंग मशीन है तो ये भी ऑन है इनकी, ठीक है, ये भी इनकी रनिंग कंडीशन में है, मतलब इनका लोड जो है प्रॉपर सारा चल रहा है। बाकी का लोड जो है हम, ये एक घर का लोड जो इनका पूरा हो चुका है, दूसरे घर का लोड चेक करवा देते हैं आपको, ठीक है। ये इनका यहाँ का दूसरा पोर्शन है, एक पोर्शन यहाँ का है और दूसरा पोर्शन यहाँ का है, तो इस वाले पोर्शन का भी मैं आपको लोड चेक करवा देता हूँ, ठीक है। तो इस पोर्शन का हम लोड चेक करेंगे, अभी हमारा काम बाकी है तो काम चल रहा है, कर रहे हैं फाइनली, जैसे हो जाएगा वो भी आपको दिखाएंगे अगर टाइम मिला तो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी है और दिखा देता हूँ मैं आपको, फाइव स्टार फ्रिज है जी एक, ठीक है, ये इन्वर्टर फ्रिज है इनका जी, देख सकते हैं, और ये चल रहा है ओके बिल्कुल, ठीक है। और अगर बात करूं मैं सामने, देखिए इन्होंने कूलर रखे हुए थे तो इन्होंने स्पेशली चेकिंग करने के लिए लोड, तो इन्होंने ये कूलर चला दिया, आपको साउंड नज़र साउंड जो है सुनाई दे रहा होगा, तो देख सकते हैं कूलर चल रहे हैं, लाइटें ऑन है यहाँ पे, ठीक है। बाकी देख सकते हैं ये वाला फैन इनका चल रहा है रेगुलर नॉन स्टॉप, और यहाँ पे भी फैन चालू है इस कमरे का भी और लाइटें भी, एलईडी वगैरह इनकी इन्होंने अभी चालू किया है, मैंने इनको मना किया था कि पहले एक बार लोड देख लेते हैं सारा फिर आपकी एलईडी वगैरह चालू कर देंगे, ठीक है। तो एलईडी इन्होंने ऑन कर दी है, देख सकते हैं एलईडी ऑन हो गई है। अभी थोड़ा बहुत जो लोड और रहता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक रूम है, इस रूम में भी ठीक है फैन ऑन है और लाइट भी ऑन है। तो टोटली लोड आपने देखा था कि कितने एम्पेयर चल रहा था, कितनी कंजप्शन थी इसकी, ठीक है। तो ये इनका इन्वर्टर है डबल बैटरी का, ठीक है, और ये भी चार्जिंग पे है इसकी, देख सकते हैं मेन ऑन है और चार्जिंग भी है, ठीक है। तो दोस्तों ये इनका टोटली लोड था, अभी यहाँ पे हम चेंज ओवर लगा रहे हैं, इनकी यहाँ पे स्टेबलाइजर रखी हुई है और वहां से इनका जो है मेन करंट आ रहा है, वहां पे इनका मीटर लगा हुआ है, तो यहाँ से हम अब चेंज ओवर लगाएंगे इसको लाइट से और जो है सोलर से चलाने के लिए। अब मैं बात करता हूँ कि इनका सोलर कितनी दूर लगा हुआ है और इनकी जो मेन तार कहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये देख लीजिए वहां पे सोलर है और यहाँ पे इनका जो है मेन तार लगेगी। आपने कितनी लंबाई मापी थी यहाँ तक की तार की? 170 फुट। ये 170 फुट तार इनको ये बता रहे हैं, और ये हमने जो है एल्यूमिनियम की तार डाली है वहां से, इन्वर्टर वहीं सेटअप करेंगे, और इनका भी रखने के लिए इन्होंने बोला कि वैसे रख दीजिए, कल को हम छोटा सा इसका एक कमरा बना देंगे जिसके अंदर वो इन्वर्टर रखा जाएगा और जो है बारिश और धूल मिट्टी से बच पाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको फीडबैक जो वीडियो है कस्टमर की उससे रूबरू कराएंगे, और वीडियो को लास्ट में ही हम आपको बताते हैं सारा कुछ, तो कस्टमर का रिव्यू लेंगे वो सारी बातें आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये दोनों भाई हैं और ये इनकी ढाणी है, तो अभी इनका हम फीडबैक ले लेते हैं कि इनको जो है हमारा सेटअप कैसा लगा,
कैसा नहीं लगा, तो इनसे इनकी ही जुबानी सुनेंगे। ये नहीं कि हम कुछ भी अपनी तरफ से दोस्तों बोलेंगे, जो सच होगा इनका मुंह से ही सुनेंगे। और प्लस जब आपको कभी भी इनसे फीडबैक लेना तो आप बेचिंत होकर ले सकते हैं, आके भी देख सकते हैं। तो भाई मेरे कैलाश, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला और आपने हमारे से संपर्क कैसे किया? वो जी, मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखा था। अच्छा जी, अच्छा। एक महीने के लिए मैंने वीडियो वगैरह देख के सर्वे करके, अच्छा जी, फिर आपको कॉल किया। अच्छा जी, अच्छा। आपके बारे में पता करके फिर मैंने आपको बुलाया और ये अपना इन्वर्टर इंस्टॉल करवाया। जी 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 जी। और अभी आप देख सकते हो मेरा सारे घर का, वीडियो में आपने देखा अभी सारा घर का लोड चल रहा है, दो डाणियों का लोड है मेरा। बिल्कुल जी, और बिल्कुल सही चल रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैलाश भाई आप हो कहाँ से, अपने बारे में बता दीजिए। मैं भट्टू कलां जिला फतेहबाद हरियाणा का हूँ जी। ठीक है जी। और यहाँ भट्टू कलां गांव मिठोइयां रोड पे मेरी डाणी है। अगर कोई भाई आके सेटअप देखना चाहे तो देख भी सकता है, जिसमें मैं वीडियो में अपना नंबर भी बता देता हूँ, कोई मेरे से बात करना चाहे। जी जी। 93155077077। थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी। मतलब आपका जो लोड था, जितना आपने एक्सेप्ट किया था चलने के लिए, क्या उतना लोड चला या उससे ज्यादा चला, वो भी बता। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। मेरा जितना ये लोड था सारा, दोनों डाणियों का लोड बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, मैं इससे पूरा संतुष्ट हूँ, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, बढ़िया। मैंने सोचा वैसा ये सिस्टम है। ठीक है जी, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी आप।